17वीं शताब्दी हिंदवी स्वराज के लिए अनमत युद्ध के केंद्र में एक राजा खड़ा था जिसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी। ज्वल ज्वलन तेजस रुद्र शंभो संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो खून पसीने और अदम्य भावना से इतिहास के पन्ने पर अंकित हो गया। 20 जुलाई 1680 को औपचारिक रूप से संभाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वीर पुत्र ने वर्षों तक अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को चुनौती दी, लेकिन 1679 में भाग्य का रुख उनके विरुद्ध हो गया। शत्रु सैनिकों के समुद्र से घिरे हुए संभाजी अराजकता के बीच हिंदवी स्वराज के दंड प्रतीक के रूप में खड़े थे, लेकिन वीर योद्धा भी नियति को हमेशा के लिए चुनौती नहीं दे सकते। संभाजी महाराज को अपने ही लोगों ने औरंगजेब को पकड़वा दिया। आलमगीर का हुक्म था कि शिवाजी के काफिर बच्चा को जहन्नम रफत कराया जाए। 40 दिनों तक निशय अत्याचार सहने के बाद 11 मार्च 1679 को वीरगति प्राप्त हुए संभाजी महाराज ने अपने पिता के नाम को पिटने नहीं दिया। अभिमन्यु के समान मृत्युंजय हो गए रुद्र शंभो छत्रपति संभाजी महाराज।